नगर निगम में अनुबंधित एक ट्रैक्टर में भरकर लोहे की जालियां बेचने का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। दरअसल ये अनुबंधित ट्रैक्टर गोपाल गौशाला से शासकीय संपत्ति वाली जालियां लेकर एक कबाड़ी की दुकान पर विक्रय करने पहुंचे तो रहवासियों ने पकड़ लिया। रहवासियों ने शंका होने पर ट्रैक्टर को समीप हार्ट रोड स्थित पुलिस चौकी पर लेकर पहुंचे। यहां निगम के जिम्मेदार अधिकारी भी पहुंचे थे जो मीडिया को देख तत्काल मौके से चले गए। कबाड़ी का कहना है कि ट्रैक्टर में जालियां लेकर आए थे लेकिन नौकर ने सेट नहीं होने पर मना कर दिया था। इस मामले में प्रहलाद दरोगा का कहना था कि राजीव गांधी सिविक सेंटर जा रहे थे, एंगल बेचने ट्रैक्टर रुका था। प्रहलाद गुर्जर, ये ट्रैक्टर पकड़ा है, कहां से लाए थे, कहां जा रहा था ये? ये गोपाल गौशाला से लेकर आए थे जाली, वो राजीव गांधी सिविक सेंटर हमारे गोदाम में वहाँ रखने जा रहे थे। तो इसको जहाँ से पकड़ा है वहाँ पर क्या हो रहा था? वहाँ पे दो तीन एंगल के टुकड़े उतारे थे और वो वापस लेके आ गए। काई के लिए उतारे थे? बेचने के लिए उतारे थे। तो किसकी सहमति से बेचने के लिए उतारे थे? किसकी सहमति से? हमारे साथ, हम सबकी सहमति। आपके साथ में कौन कौन है? पांच बेलदार है। कहाँ से लाए थे? गोपाल गौशाला बगीचे से। के पहले आपने किसी अधिकारी को जानकारी दी थी कि हम लोग बेच रहे हैं? नहीं दी किसी को, मर्जी से बेच रहे थे। क्या नाम है आपका? प्रहलाद। पूरा नाम क्या है? प्रहलाद गुर्जर। इस मामले में रहवासियों ने बताया। सर ये जो अभी यहाँ पे जो कुछ व्यक्ति आए थे ट्रैक्टर ट्रॉली भर के लेके गए जालियाँ वगैरह, कहाँ से लेके आए थे? मैं मास्टर कॉलोनी में रहता हूँ और ये बगीचा ठीक मेरे मकान के सामने है जो कई दिनों से काम चल रहा है बाउंड्री बनाने का। तो ये जालियाँ वहाँ से निकाल दी और पता ये लगा, जानकारी ली मैंने भी, तो ये सारा चोरी का माल जिसमें कभी 40 जालियाँ थी ये नगर पालिका ट्रैक्टर में भर करके ले जा रहे थे। तो इससे ये तो प्रमाणित है कि ये चोरी नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों से मिली जुली भगत है, क्योंकि वो माल नगर पालिका में जमा होना था लेकिन ये लोग उसको चोरी करके बेचने जा रहे थे। हमने तलाशी की कि ये जिसके यहाँ पहुँचे थे वो खुद खरीदार ने बताया कि ये हम बेचने आए थे। ऐसी स्थिति में नगर पालिका वाले बागड़ ही बाढ़ को खा जाएगी तो क्या होगा, इसे ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके जेल भेजा जाएगा। मामले को दबाने के लिए निगम के जिम्मेदार कुछ कहने से बचते रहे। खबर तो यह भी है कि निगम के एक स्थायी और चार अस्थायी कर्मचारियों ने मिलकर बुद्धेश्वर उद्यान की जालियां बेची थी। मामला उजागर हुआ तो वापस ले गए। कोरोना महामारी में भी निजी स्कूल संचालकों द्वारा मनमानी व पूरी फीस वसूलने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने सायर चबूतरा स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। परिषद जिला संयोजक कृष्णा डिंडोर, प्रांत सह मंत्री सुरभि रावत, विभाग सह संयोजक शुभम चौहान, जिला सह संयोजक अनुज पोरवाल सहित अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी डीईओ कार्यालय पहुँचे और नारेबाजी शुरू की। ज्ञापन देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया गया लेकिन कोई नहीं आया। इस पर नाराज हुए कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। करीब 3 घंटे प्रदर्शन के बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर का पुतला फूंक दिया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने जब पुतला पूरा जल गया तब जलते पुतले पर पानी डालकर आग बुझाई। छात्र नेता कृष्णा डिंडोर ने शिक्षा अधिकारी पर स्कूलों से लेन देन का आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया।
हमारी मांग जिला शिक्षा अधिकारी जी से थी अभी तक कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें अभी तक एडमिशन, कल लास्ट डेट थी 30 तारीख, उनमें कई विद्यार्थियों के एडमिशन नहीं हुए और रतलाम पूरे ज़िले में प्राइवेट स्कूलों की इतनी ज़्यादती है कि टीसी के नाम पे अवैध वसूली, कोई दूसरे स्कूल में एडमिशन ले रहा है तो उसको इस साल की भी फीस पूरी ले रहे हैं। इसको लेके हमने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी जी को 7 दिन पहले हमने अवगत करा दिया था। कल तक का अल्टीमेटम तक कल मेरी फ़ोन पे बातचीत हुई, उनका कहना है मैं और किसी काम में व्यस्त हूँ, मैं इस काम में नहीं हूँ। तो शिक्षा, आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं, अभी एडमिशन चल रहे हैं, आप इस क्षेत्र में काम करें। आज हमने जब कलेक्टर साहब को ये चीज़ अवगत कराई तो उनको भी शिक्षा के लिए बिल्कुल, उनको 1% भी विद्यार्थियों के लिए कोई चिंता है ही नहीं। वो उनके दफ्तर में बैठे हैं, दफ्तर से उठ के यहाँ तक आने का उनका समय नहीं है। हम उनका भी पुतला जला रहे हैं। ये पूरा जनजाति क्षेत्र है, यहाँ पे कल विद्यार्थी रावटी, बाजना, शिवगढ़, सेलाना, सरवन सबसे आके यहाँ परेशान हुआ है। रतलाम जिले में एक भी स्कूल ने एडमिशन नहीं दिया है, ना उसका जवाबदार जिला शिक्षा अधिकारी ले रहे हैं, ना कलेक्टर साहब लेने को तैयार है, ना किसी अधिकारी को यहाँ ज्ञापन लेने पहुँचा रहे हैं। हम अभी जिला कलेक्टर महोदय का पुतला जला रही है विद्यार्थी परिषद, और आगामी दिनों में 3-4 दिनों में जब भी विद्यार्थी परिषद की रूपरेखा बना के कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे और हम हमेशा छात्र हितों के लिए मैदान में उतरेंगे। जिले में धारा 144 लागू होने के बावजूद हुए प्रदर्शन को लेकर थाना प्रभारी ने कहा, ये बिल्कुल जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी बिल्कुल करेंगे हम, और एपी के लड़कों द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी बिल्कुल की जाएगी। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस बीच लगने वाली वैक्सीन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं और अफवाह भी सामने आई। वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है ये तो सरकार और डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन वैक्सीन से क्या क्या फायदे हो सकते हैं ये शायद सोचा भी नहीं होगा। रावटी में महज 5 किलोमीटर दूर गांव बीट की रहवासी 70 वर्षीय वृद्धा जीतूबाई पति मांगू डावर के लिए वैक्सीन वास्तव में जीवन का टीका साबित हुआ है। वृद्धा जीतूबाई करीब 6 साल से लकवे से पीड़ित है। पहला टीका लगवाने में उसने विरोध किया था, समझाइश देकर वैक्सीन लगवाई तो चमत्कार हो गया जो उसने सोचा भी नहीं था। टीके के असर से उसके हाथ, पैर और सिर सीधे होकर चलने लायक हो गए। लकवे को ठीक होते देख वह प्रसन्न हो रही है। पहले वैक्सीन के लिए महिला घसीटते हुए केंद्र पर गई थी, लेकिन दूसरे टीके के डोज के लिए वह चलकर केंद्र पहुंची तो हर ग्रामीण और स्वास्थ्य कर्मी अचरज में पड़ गया। लोग माँ वैष्णो देवी के यहाँ गूंजने वाला भजन रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, याद करने लगे। वृद्धा जीतूबाई ने बताया, 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। हाँ। तो टीको लगाओ जी, तुम ठीक हो गया। हाँ। तुम बाटा लेना जुड़े होता है। हाँ, दौड़ी कोई नहीं ना पर। मलकान में क्या? 1 महीना में की दूँ मुझे। हाँ। 1 महीना में लगाड़ मुटी को। ये पग हाव ताई जगह। इस मामले में सरपंच कन्हैया लाल का कहना था कि टीका लगा सर, बहुत अच्छा महसूस हुआ हमें, और हमारे गाँव के लोग टीका लगाया तो पहले वो क्या लकवा बीमारी में थे जो चल फिर नहीं सकते थे, लकड़ी के सहारे चलते थे, अभी वो क्या अकेले चल फिर सकते हैं और पानी भी उनकी आवश्यकता अनुसार भर सकते हैं। टीका लगाने के बाद में और भी मीडिया लोग भी आए थे, जिन्होंने जानकारी ली अस्तित्व क्या है। कब से थी ये? पिछले 5 साल से इसी हालत में। तो अभी ये टीका लगने के बाद में ये चल फिर सकती है, खाना बना सकती है? खाना भी बना सकते हैं और पानी भी बरतला सकते हैं, और उनको काफ़ी मतलब परिवर्तन हुआ। इनका नाम क्या है? जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के झाबुआ रतलाम प्रभारी कमलेश्वर डूडियार व उनके साथी दिनेश गिरवाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में जयस विभिन्न आदिवासी संगठनों पसपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता औद्योगिक क्षेत्र थाने पहुंचे
और कमलेश्वर व दिनेश की गिरफ्तारी का कारण पूछने लगे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। इससे कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया और रात 9 बजे बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया। सूचना मिलने पर सीएसपी हेमंत चौहान और एसडीएम अभिषेक गहलोत थाने पर पहुंचे व संगठनों के नेताओं से चर्चा की। बसपा जिला अध्यक्ष विनोद कटारिया ने बताया कि कमलेश्वर डोडियार व दिनेश को शाम 4 बजे थाने पर लेकर आए थे। उन्होंने थाने पर उन्हें देखा भी था। दोनों को किस अपराध में गिरफ्तार किया गया यह बताया जाए। सीएसपी ने कहा कि दोनों को शहर के किसी भी थाने पर गिरफ्तार नहीं किया गया है। हो सकता है किसी अन्य थाने की पुलिस ने पकड़ा होगा, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। कटारिया ने आरोप लगाया कि कमलेश्वर डोडियार विभिन्न संगठनों के साथ 5 जुलाई को विशेष निवेश क्षेत्र के खिलाफ कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें हिरासत में लिया गया है। इस दौरान जेएस नेता डॉक्टर अभय ओहरी, आदिवासी विकास परिषद की जिला अध्यक्ष व युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशन सिंघार ने भी अधिकारियों से चर्चा की। नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा यदि शुक्रवार सुबह 10 बजे तक उनके बारे में जानकारी नहीं दी गई तो एसपी ऑफिस का घेराव किया जाएगा। आलोट नगर परिषद द्वारा बस स्टैंड के पास बनाई गई नवीन सब्जी मंडी शुरू होने के साथ ही विवादों में घिर गई है। ऐसे में सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि नवीन सब्जी मंडी नगर के एक तरफ आ चुकी है। इस सब्जी मार्केट के पास मांस की दुकान है एवं नजदीक ही शराब की दुकान होने से नगर के नागरिक एवं महिलाएं उक्त नवीन सब्जी मंडी तक नहीं पहुँच रही है। शाम होते ही सब्जी मंडी पर शराबियों का कब्जा हो जाता है। परेशान सब्जी विक्रेता लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। तहसीलदार मुकेश सोनी एसडीएम आलोट के नाम ज्ञापन देते हुए चेतावनी दी तो अन्यंत्र स्थानांतरित नहीं की जाती है तो सब्जी विक्रेताओं के द्वारा भूख हड़ताल की जाएगी। तहसीलदार मुकेश सोनी ने बताया जो नई सब्जी मंडी शिफ्ट की है उसमें जो उनको विक्रय में समस्या आ रही है कुछ आसपास में कुछ गंदगी वगैरह और शहर से एक तरफ होने का उल्लेख करते हुए अनुभवी जेरे मोदी के नाम ज्ञापन दिया है तो इस दिन से चर्चा करके कुछ उसमें जो भी हो सकता है करेंगे। पहले नहीं नहीं कुछ प्लानिंग करके बिठाया होगा वहाँ सब्जी मंडी भी बनाई है तो पर कुछ समस्या तो उनका निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे हम लोग। सब्जी विक्रेता एसोसिएशन अध्यक्ष भरत राठौर का कहना है कि क्या आगे रुक रहे हैं अंदर बैठेगी सब महिलाएं कब से बैठेंगे आप बस एक दो दिन बाद 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम 24 घंटे मांगा परसों से बैठना चालू कर देंगे। आप पिछली बार भी कई ज्ञापन दे चुके हैं आखिर प्रशासन आपकी क्यों नहीं सुन रहा है उसमें ऐसा नहीं लिखा होता क्या हमने समय नहीं मांगा था ना प्रशासन से अब समय मांग रहे 24 घंटे का समय मांग रहे प्रशासन से 24 घंटे तक हमारी नहीं सुनी थी और तो सब भूख हड़ताल बैठेगी एसोसिएशन सब कार्यालय के सामने बैठ जाएगी सर। We'll be right back.